जे इतिहास के पिछोकड़ की गल करांगे, छेवें पातशाह धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 52 राजियां नूं ग्वालियर के किले के विचों आजाद करवाया। उन्हां विचों ही एक राजा सी बिलासपुर का राजा, जिहड़े भाईधार दे राजे सी, और इन्हां ने एक बहुत वड्डी प्लैनिंग बनाई, गेम खेडी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पहाड़ी इलाकों के सद्या जाए तो इन्हां दे उत्ते हमला करके इन्हां नूं खत्म किया जाए। पत्थरां दा गुरद्वारा साहब बनिया होया, ये जिहड़ी दीवार है ये 1930 दी बनी हुई दीवार है, जिहड़ी तोड़ी नहीं गई, ये पुरातन कंध है। 1701 दे विच विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने पूरे परिवार के समेत 500 सिंघां दा जथा लै करके इस जगह दे उत्ते इस पहाड़ी दे उत्ते पहुँचते हैं, जिस पहाड़ी दे उत्ते गुरद्वारा साहब बनिया होया। उन्हां राजियां दे नाल मुलाकात हुंदी है। औरंगजेब साढ़े उत्ते जबरी टैक्स लगा रहा है, तो उस टैक्स तो किदां आजाद हो सकते हैं असीं? तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इको गल कही सी, एक तां एकता वरतो, एकता लेके आओ, जब तक एकता नहीं तुहाडे अंदर होएगी, जब तक तुसीं इकट्ठे नहीं होवोगे तां आप जी जुल्म दे खिलाफ नहीं लड़ सकते। गुरु गोबिंद सिंह ने एक गल की भी तुसीं साडे नाल क्यों नहीं रल सकते, आओ असीं खंडे बाटे का अमृत तैयार किया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप जी दे नाल गुरद्वारा रवालसर साहिब जी दे इतिहास की सांझ पावांगे जी। पंजाब तो असी चाले पाए, कीरतपुर साहब पहुँचे, कीरतपुर साहब तो पहाड़ियों पार करते हुए तकरीबन 100-125 किलोमीटर दो रस्ते ने जी इत्थे आउण दे। बिलासपुर तो बाद अगर आप जी मंडी नूं जाना चाहोगे तो सुंदर नगर तो बाद मंडी आ जाती है, मंडी तो 24 किलोमीटर इत्थे आ सकते हो। तो जिहड़े रस्ते असी आए वह रस्ता बड़ा साफ सी, बिलासपुर तो कुमारवी जाहू नूं हुंदे हुए आप जी रवालसर पहुँच सकते हो। रवालसर पहुँचदिया ही बहुत सोहना गेट विखाई दिता, इस गेट तो चलते हुए असी गुरद्वारा साहब पहुँचे। शाम नूं जदों गुरद्वारा साहब पहुँचे, काफ़ी संगतां दे नाल मेल मिलाप भी होया, जो फेसबुक दे राही यूट्यूब दे राही साढ़े नाल जुड़िया हुई ने, तो असीं उन्हां नूं गुरु साहब दे नाल जोड़दे हाँ। गल करांगे गुरद्वारा साहब जी की ते इतिहास की। गुरद्वारा साहब साड़ी टीम नतमस्तक हुई, निशान साहब जी नूं नमस्कार की, फतेह बुलाई। गुरद्वारा साहब जी दे जे आपां दर्शन करांगे, बाहरों गुरद्वारा साहब जी के दर्शन करते हुए पहुँचते हाँ, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए, अंदर रस पीना, आसा जी की वार का कीर्तन हो रहा है। ते बड़ा पुरातन गुरद्वारा साहब बनया हुआ, जिहड़ा अंदरला स्ट्रक्चर है पत्थरां दा गुरद्वारा साहब बनया हुआ। ये जिहड़ी दीवार है ये 1930 दी बनी हुई दीवार है, जिहड़ी तोड़ी नहीं गई, ये पुरातन कंध है। तो इस तो बाद बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले वालों इस नूं गुरद्वारा साहब नूं होर वड्डा करवाया गया, बहुत सोहना लंगर बनया हुआ है, रहायश दे कमरे इत्थे ने, आप जी दर्शन कर रहे हो। उपरों दर्शन करांगे तो आप जी वेख रहे हो कितना सोहना गुरद्वारा साहब विखाई दे रहा। हुण गल करांगे असी आप जी दे नाल इतिहास की कि इत्थे दा इतिहास की है। जे इतिहास के पिछोकड़ की गल करांगे, छेवें पातशाह धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 52 राजियां नूं ग्वालियर के किले के विचों आजाद करवाया। उन्हां विचों ही एक राजा सी बिलासपुर का राजा दीप चंद। दीप चंद का अगे पुत्र होया भीम चंद, भीम चंद का अगे पुत्र होया अजमेर चंद। इतिहास बड़ा लंबेरा है। तो बिलासपुर का राजा सी जिहड़ा, ये तो होर कुछ राजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल खार भी खाते सी, और इन्होंने एक बहुत वड्डी प्लैनिंग बनाई कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पहाड़ी इलाकों के सद्या जाए तो इन्हों के उत्ते हमला करके इन्हों खत्म किया जाए।
जेडे बाई धार दे राजे सी, बाई धार दे राजा ने एक प्लैनिंग की, एक गेम खेडी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इत्थे परिवार के समेत सद्या जाए। और उस समय एक विसाखी का बहुत वड्डा मेला भरदा सी इस अस्थान के उत्ते, बहुत लोग अपनी आस्था लेके जुड़ते सी और इस बहाने राजे भी आते सी। उन्हां नूं इह सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कुछ सिखां दे नाल इत्थे आ जाणगे ते असीं इहनां दे उत्ते हमला करांगे, एक इह वी उहनां दी मनसा सी। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पूरे परिवार समेत जदों इत्थे आउंदे ने तां उहनां दे नाल ओह योधे, ओह सूरमे जिहड़े सवा सवा लख दे नाल मुकाबला कर सकदे होण, ओह सिंह नाल सी। तकरीबन 1701 दे विच विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने पूरे परिवार दे समेत 500 सिंघां दा जथा लै करके इस जगह दे उत्ते, इस पहाड़ी दे उत्ते पहुँचते हैं, जिस पहाड़ी दे उत्ते गुरद्वारा साहब बनिया होया। उन्हां राजियां दे नाल मुलाकात हुंदी है ते राजे अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे अगे सवाल करते हैं कि महाराज जी औरंगजेब साढ़े उत्ते जबरी टैक्स लगा रहा है, तो उस टैक्स तो किदां आज़ाद हो सकते हैं असीं? तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एको गल कही सी, एक तां एकता वरतो, एकता लेके आओ, जब तक एकता नहीं तुहाडे अंदर होएगी, जब तक तुसीं इकट्ठे नहीं होवोगे तां आप जी जुल्म दे खिलाफ नहीं लड़ सकते। उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इत्थे बाणी भी उच्चारण की, अलग अलग जगह पर गए। गुरु गोबिंद सिंह ने एक गल की भी तुसीं साडे नाल क्यों नहीं रल सकते, आओ असीं खंडे बाटे का अमृत तैयार किया है, तुसीं खंडे बाटे का अमृत छक के सिंह सजो और जित सत दे विच पक्के हो तां तुहाडी जित पक्की है। उन्हां राजिआं ने एक गल कही, असीं अमृत तां छक सकदे आं पर नीवियां जातां वालिआं दे नाल नहीं, साडे वास्ते एक अलग बाटा तैयार किया जाए। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, नहीं, मानस की जात सब एक है पहचानवो, इस दुनिया के उत्ते कोई उच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं, सब एक बराबर ने, सब परमात्मा की बंदगी करने वाले ने, हर एक नूं हक है कि वह रब की बंदगी करे। लेकिन उन्होंने राजिया ने यह साथ नहीं दिता, इस गल नूं टकरा दिता, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गल नहीं मनी। बाई धार दे राजे कलगीधर पिता दशमेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खंडे बाटे की दात तो बांझे रह जाते हैं। उत्थे प्यार करन वाले भी कुछ राजे ने, जिन्हां दे विच्चों राजा सिद्ध सैन जी जिहड़ा सकेत मंडी दा राजा है, वह धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अपने तीन पुत्रां नूं नाल लैके पालकी दे विच बिठा के इत्थों मंडी लै जांदा है। तां राजा सिद्ध सैन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मंडी अपने महलां विच लै जांदा ते इस अस्थान दे उत्ते इत्थों आप जी नूं नीचे दिखाई दे रहा गुरद्वारा साहब अरवालसर दे विच, जिथे बोधियां दा मंदिर भी है, जिथे हिंदू धार्मिक स्थान भी है, पांडव इत्थे आए ने, उत्थे ही कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की याद विच ये गुरद्वारा साहिब ये अस्थान इत्थे सुशोभित है। आप जी आ करके दर्शन कर सकते हो जी, ते इस अस्थान दे उत्ते रहायश का बहुत वधिया प्रबंध है, 24 घंटे लंगर का प्रबंध है, ते इत्थे ही होर बड़िया रमणीक जगह ने। उपर पहाड़ी दे उत्ते गुफा है, बुद्ध धर्म का एक ये धार्मिक केंद्र मनिया जाता, वो स्थान इत्थे बनिया होया है। तो ये इतिहास ही गुरद्वारा अरवालसर साहिब जी का जी। अगला इतिहास आप जी दे नाल लेकर के फिर हाज़र होवांगे। साडा फेसबुक चैनल खोज विचार, यूट्यूब चैनल खोज विचार से होर भी इतिहास दीयां वीडियां देखण दी कृपालता करिओ जी। तुहाडा अपना वीर भगवान सिंह खोजी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।